नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर जयंती और बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे सामाजिक परिवर्तन स्थल पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के ठीक सामने पीएमएस रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर आर के सैनी ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की कलई खोल कर रख दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री भी हैं, उनसे गुहार लगाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इन गंभीर मुद्दों पर तुरंत संज्ञान लेने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनका उत्पीड़न बंद होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के जो भ्रष्टाचार हैं, जो षड्यंत्र हैं, उन पर लगाम लगानी चाहिए। आइए बात। डॉक्टर साहब नमस्कार। पिछली वार्ता में जैसा आपने बताया था कि डॉक्टर्स के प्रमोशन का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, पीएमएस एसोसिएशन उसको लेके लगातार संघर्षशील है, सर उसमें क्या प्रगति हुई है? सर्वप्रथम तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को हम के जन्मदिन पर बधाई देते हैं और साथ ही साथ उनके गुरु ज्योतिबाराव फूले को भी नमन करते हैं दोनों आदमी, और साथ बैसाखी भी आज है, हिंदू सनातन धर्म का एक त्यौहार बैसाखी, इन सबकी बधाइयों के साथ हम ये शुरू करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बहुत अच्छा समय है, जिन्होंने संविधान के तहत सारे लोकतंत्र को बचा रखा है। अगर ये संविधान नहीं होता यहाँ राजतंत्र हमेशा लागू हो जाता। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के जो रचयिता हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने संविधान के तहत लोकतंत्र का बचाव किया, वरना ये शासन ऐसा हो जाता ये अंग्रेजों से भी बदतर शासन होता, क्योंकि संविधान से जब कोई बात ये लोग राजतंत्र के खिलाफ राजतंत्र के माध्यम से करते हैं हमारे आईएएस लोग, तो उसको केवल जो है हमारे बाबा साहब जी ही अपने संविधान के तहत लोकतंत्र का पूरा बचाव किया। और हमारे जो इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश थे माननीय श्री चंद्रचूड़ जी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो बेहतर तरीके से लोकतंत्र की रक्षा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत करेंगे जी। दूसरी बात है कि हमारे पीएमएस संवर्ग में 54 प्रमोशन लेवल 4 से लेवल 5 के किए गए, जिसमें 45 लोगों को जो है एडिशनल डायरेक्टर तमाम जगह समायोजन कर लिया, लेकिन 9 जिलों के सेमोज को कॉन्स्पिरेसी के तरह, क्योंकि उनको गलत तरीके से सेमो बनाने के लिए गलत आदमी नहीं मिल रहे हैं, पैसे का धनोपार्जन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से नए जनपदों में नए सेमो सृजित नहीं किए गए। और ये 30 दिसंबर को ऑर्डर हुआ था और 16 फरवरी को लेवल 5 में कुछ लोगों का प्रमोशन किया, 9 लोगों में सेमो को नहीं दिया गया, 9 जनपदों में सेमो की तुरंत तैनाती की। और भी ये हमने देखा कि 10,000 जो 9,000 की श्रेणी में कुछ चिकित्सक हैं लेवल को, उनका प्रमोशन ना करके 10,000 से ऊपर वालों का प्रमोशन करके उनको लेवल 5 में प्रमोट कर दिया गया। दूसरी बात है हमारा चुनाव भी आ रहा है, मैं चाहूँगा डॉक्टरों की पुरानी पेंशन जो स्थिति थी पेंशन बहाली वाली थी, पुरानी पेंशन व्यवस्था इस माध्यम से ज्ञापन से लागू हो। सर पिछले दिनों औरैया का भी मामला आपने उठाया था, कुछ चीजें खरीद प्रोक्त की गई थी जो मानक से बहुत नीचे थी, उस प्रकरण में सर क्या प्रोग्रेस है? उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, हमने लेटर लिखा, 2-2 प्रेस वार्ताएं की। अब मैं संविधान के तहत मैं इन लोगों पर मैं इसमें ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें और भी लोगों को जिसमें विशेष सचिव का एक कंप्लेंट है जो मेरे पास आई है, विशेष सचिव स्तर के सब उसमें ड्राफ्टिंग हुई है, लेकिन कोई जांच गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, वहाँ गलत तरीके से धनोपार्जन और अय्या में किया जा रहा है, वहाँ की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव उनके द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया गया है और बहुत धन गबन आरोप किया। मैं मिशन निदेशक से मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ एनआरएचएम में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत धन का दुरुपयोग हुआ है, धन बहुत गलत तरीके से बंदरबांट कर लिए गए। सर वहाँ एक लिपिक का भी मामला था, वहाँ एक लिपिक का मामला था नहीं, हमारे निदेशालय में था, जो अविनाश श्रीवास्तव एक लिपिक थे उनका असेंबली क्वेश्चन हुआ तो उनकी जो है जाँच करा दी गई। और एक दूसरे हैं अरुण कुमार पांडे जो कभी निदेशक प्रशासन राजा गणपति के कमाऊ पुत्र थे, आज डीजी के कमाऊ पुत्र हैं, उनकी जांच नहीं हो पाई क्योंकि
वो कमाऊ पुत्र हैं, आज डीजी के कमाऊ पुत्र हैं, कभी उनके थे। उनके पास अकूत संपत्ति तथा बेनामी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा है। मैं आज बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने का ये सौगंध लेना चाहता हूँ, अगर राजा गणपति ने अगर अरुण पांडे की जांच नहीं की तो अरुण कुमार राजा गणपति के खिलाफ मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का प्रयास करूंगा तथा संविधान के तहत उनकी जांच करवाने का प्रयास करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भी निवेदन करूंगा और माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं विजेश पाठक जी, इन्होंने LLB की डिग्री प्राप्त की है और ये विद्वान अधिवक्ता रहे हैं और आज मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि संविधान के रचयिता के सामने मैं खड़ा होकर ये आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारी सीओज को कभी न बनाया जाए। एक प्रकरण और था रजिस्ट्रार चिटफंड सोसाइटी का, जो मैं बराबर ये कहता रहा कि वहाँ के जो हमारे PMS संघ के जो महामंत्री थे उनके सत्यता की जांच कराई जाए। हमने अनेकों कम से कम 35-40 पत्र दे चुके, जांच नहीं कराई। फिर हमने बाध्य होकर माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की 2024 आवलिक 2023 रिट सी, जिसमें ये आदेश हुआ कि 4 सप्ताह के अंतर्गत अमित सिंह जी जो हमारे भूतपूर्व मंत्री है, उन्होंने गलत शपथ पत्र देकर के कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने सारे पदाधिकारियों के सहयोग से गलत चुनाव कराने का प्रयास किया, तो मैं उनकी जांच कराने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश से एक प्रार्थना पत्र जो 4 हफ्ते के अंदर निर्णित हो जाएगा। अगर नहीं निर्णित होता है फिर उसके खिलाफ मैं पुनः संविधान में कंटेम्प्ट की याचिका दाखिल करूंगा। तीसरा प्रकरण, एक और प्रकरण बहुत हुआ कि हमारे जब संविधान की जहां तक बात आती है तो हमारे डॉक्टरों के लिए VRS और 56 रूल और 62 साल पर उनको तत्काल रिटायर कर दिया जाए। पहले तो 58 था, फिर 60 हुआ, फिर 62 हुआ। हर आदमी ऐसे तरीके से बढ़ा, नहीं तो ये फ्रांस में क्रांति अभी कुछ ही दिन में हुई है, उन लोगों की उम्र 59-60 है, पूरी क्रांति हो गई। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे कर्मचारी सारे इस तरीके उद्वेलित हो जाएं और क्रांति पर आ जाएं। तो मैं चाहता हूँ 62 साल 60 साल का रिटायरमेंट कर दिया जाए और ऐसी सुविधाएं बढ़ाई जाए जी कि डॉक्टर आने से डरे। एक और प्रकरण छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर औरैया का है, जिसमें हमारे वहाँ 7 ब्लॉक हैं, 7 CSC हैं, जिसमें 3 CSC पर अधीक्षक तैनात कर दिए गए, 4 CSC पर इसमें एनेक्सर लगे हुए, जिसमें 5-7 जो है डिप्टी सीएमओज हैं। डिप्टी सीएमओज को उनके अधीक्षक के पद पर न कर अर्चना श्रीवास्तव ने कॉन्स्पिरेसी के तरह धनोपार्जन काला धन उपार्जित करने के उद्देश्य से उन्होंने Level 1 के डॉक्टरों को पोस्ट कर रखा है और Level 3 के डॉक्टरों को अटैच करके उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पदों को दे रख करके धनोपार्जन की स्थिति बना रखी है। उनका एक सानिध्य का लड़का है ओम प्रकाश गुप्ता, जो 12,000 रुपये की तनख्वाह पाता है और उन्हें वह जो है पूरा टेंडर खोलता है, टेंडर बनाता है, ड्राफ्ट करता है और कॉन्स्पिरेसी के टेंडर पास करवा लेता है। उसके पास अकूत संपत्ति है। मैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ से गुहार करना चाहता हूँ, ऐसे भ्रष्टाचारी सेमों को मत लगाया जाए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो आते हैं उनको तत्काल जो है कुछ दिन के अंदर, हफ्ते 7 दिन के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नवीन तैनाती की, ताकि जो चिकित्सा अधिकारी वंचित हैं उनको उस पद का लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ये कसम खाता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह का दुर्व्यवहार बराबर करते रहे और गलत काम करते रहे तो मैं एक बार और गुहार करूँगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय BGS पाठक जी से, इसको बहुत ध्यान से देखें, गहन से देखें कि डॉक्टरों का उत्पीड़न मत हो तथा डॉक्टरों को उचित पद मिले और जो Level 5 के पद जो शासन में दो विशेष सचिव के पद हैं सन 2013 से खाली है, वो भी अपर निदेशक लेवल के पद, उनको आज तक नहीं भरा गया। क्यों नहीं भरा गया ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय ब्रिजेश पाठक जी इस पर सवाल करें, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी अमित मोहन प्रसाद जी थे वो चले गए, अब दूसरे आदमी आए फिर उसी रहमो कदम पर लग रहे हैं। मुझे ये संज्ञान में किसी ने लाया, मुकेश प्रधान नाम का एक कोई समीक्षा अधिकारी है जो सारे पेपरों को दबा देता है,
कंप्लेंटों को दबा देता है, उससे पैसे की वसूली करता है। इसकी भी जांच कराई जाए कि मुकेश प्रधान ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे पत्रों को क्यों दबाते हैं, हैं? और मुख्य प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव तक क्यों पहुंचने देते हैं। तो मैं इन सब बातों के साथ बाबा साहब के जन्मदिन पर, बैसाखी के पावन पर्व पर मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा मुख्यमंत्री श्री योगी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इसका संज्ञान लें, श्री विजय पाठक जी इसका संज्ञान लें, ताकि जो हमारे डॉक्टरों के प्रति कोई उत्पीड़न मत हो सके और हम लोग स्वेच्छा से भरपूर मन से जो है कार्य कर सकें। एनआरएचएम में जो लिप्त आदमी है एक एग्जाम्पल और रैया का, एनआरएचएम में लिप्त बाबू, एनआरएचएम में लिप्त डीसीएम, उनके भ्रष्टाचार इतने अधिक हो गए हैं जो कागजों में इसमें ऑडिट रिपोर्ट लगी हुई है, इसको हम लगा आपको दे रहे हैं, इसको मुख्यमंत्री को भेजें और मुख्यमंत्री जी से तथा ब्रजेश पाठक जी से ये निवेदन करें, इसकी बहुत गंभीरता से गहनता से जांच कराएं। धन्यवाद।